दोस्तों, मैं हूं सायन घोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने कुछ नया मछली खरीदा है, वो दिखाऊंगा। आप जो स्क्रीन पे जो मछली देख रहे हैं वो बेलून मॉली फिश है। वही फिश मैंने बाय किया है, कल को ही बाय किया था मैंने। मतलब कि आज 22 तारीख है, कल 21 तारीख। 21 तारीख को मैंने ये 9 फिशेज बाय किया है बेलून मॉली का। ये बहुत ही प्यारा फिश है और ये पूरा एडल्ट फिश है। मतलब कि ये कुछ दिनों के बाद से अंडा अंडा नहीं बच्चा देना शुरू करेगा, क्योंकि ये जो बेलून मॉली फिश है ये भी एक लाइव ब्रीडर फिश है। मतलब कि ये डायरेक्ट बच्चा देता है, कोई अंडा नहीं देता है। ये बहुत ही प्यारा फिश है, इसलिए उसके पास 9 ही था, मैंने 9 के 9 ही खरीद लिया, क्योंकि मुझे ये फिश बहुत ही प्यारा लगता है। और इस फिश का मार्केट प्राइस थोड़ा हाई है। नॉर्मल मॉली जैसे हमें 5-6 रुपये में मिल जाता है, ऐसा नहीं है इनका। इनका थोड़ा प्राइस हाई है, इसलिए मैं ये यदि ये फिश को ब्रीड कर सकता, मतलब ये करूँगा, तब मुझे बच्चे जब मैं सेल करूँगा उसका प्राइस थोड़ा अच्छा मिलेगा मुझे। और ये जो बेलून मॉली फिश है ये बहुत ही केयर करना इनका अच्छा है। मतलब कि बहुत ही कठिन नहीं है ये फिश का केयर करना। ये फिश को जो भी बंदा मॉली फिश को पाल सकता है वही बंदा ये बेलून मॉली को भी पाल सकता है। इनका कोई इनका वाटर टेम्परेचर है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन्हें एयर फ्लो आप देंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगी। यदि आपका बड़ा टैंक है तो एयरेशन देने की ज़रूरत नहीं। यदि छोटा टैंक है, जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये जो 12 इंच बाई 6 इंच बाई 12 इंच का मेरा ये एक्वेरियम है, इसमें मैंने रखा है 9 मछली, इसलिए मैंने इसमें एयरेटर दिया है, नहीं तो मैं नहीं देता। और इन जो 9 मछलियाँ हैं इन्हें मैं टेट्राबिट्स फीडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि टेट्राबिट्स बहुत ही एक अच्छा खाना है मछलियों के लिए। मैं कोई ब्रांड नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप थोड़ा अच्छा खाना खिलाएंगा, मतलब कि खिलाइएगा इन मछलियों को तो अच्छा रहेगा। देख सकते हैं इनका कलर भी प्योर वाइट कलर का है, इसमें कोई मिक्स ब्रीड का नहीं है। मतलब कुछ दुकान वाला ऐसा बेलून मॉली बोल के, बेलून मॉली होता है परंतु उस वो जो मॉली होता है वो दूसरे नॉर्मल मॉली के साथ ब्रीड करके बच्चा निकालते हैं, वो कुछ बेलून निकलता है और कुछ बेलून नहीं निकलता है। वो सभी एक साथ ही बेच देते हैं वो दुकान वाला, क्योंकि फार्मर उन्हें बेचता है। दुकान वाला की भी गलती नहीं है, फार्मर उन्हें बेचता है तो ही वो सेल करता है। इसलिए हमारे यहाँ ये सब चलता है, तो आप देख कर खरीदेंगा कि कौन सा बेलून मॉली है और कौन सा नॉर्मल मॉली है, ये देख के खरीदेगा तो अच्छा रहेगा। ये देख सकते हैं ये बहुत ही जाइंट साइज़ का है, ये करीब 2 इंच प्लस